करनाल के बाबू मूलचंद औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के एक छात्र की सड़क हादसे में मौत के बाद हालात बिगड़ गए हैं। यहां आईटीआई छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखा संघर्ष हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों की पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है, जबकि पुलिसकर्मियों ने आईटीआई कैंपस में घुसकर छात्रों को पीटा है। हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक आईटीआई छात्र निकित कुमार की मौत होने के बाद से करनाल शहर का माहौल तनावपूर्ण है। सुबह सुबह छात्र सड़कों पर आ गए और आईटीआई चौक के आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों से टकराव शुरू हो गया। छात्र पत्थरबाजी करने लगे तो जवानों ने लाठीचार्ज करके उन्हें भगाने की कोशिश की। दोनों तरफ से हुई इस कार्रवाई में कई छात्रों के सिर फटे और दर्जनों हिरासत में लिए गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस कर्मियों ने आईटीआई कैंपस में घुसकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भी पीटा। वहीं पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया ने कहा कि इस कार्रवाई में पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए हैं। जो है आईटीआई चौक पे एक्सीडेंट हुआ था, एक छात्र की उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में आज ये सुबह बच्चे इकट्ठे हुए, सुबह पहले तो इनको समझाया बुझाया गया और एक कमेटी भी बनाई गई, जो इनकी डिमांड है, जो मुख्य डिमांड थी बस रोकने की या बस की संख्या बढ़ाने की, उसके बारे में बात की गई। लेकिन कुछ शरारती तत्व थे बीच में जिन्होंने इनको भड़का के और इनको जीटी रोड जाम करने के लिए उकसाया। तो जितनी शुरू में थोड़ी कम फोर्स थी लेकिन फिर भी जीटी रोड को जाम नहीं करने दिया गया। और पत्थरबाजी की थी, घायल हो गए, जो पत्थरबाजी की है कुछ हमारे काफ़ी मुलाजिम इसमें घायल हैं, जिसमें कुछ SHOs भी हैं। छात्र सुबह 9 बजे के आसपास आईटीआई चौक पर पहुंचे और 9:40 के करीब स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायर भी किए और 11:30 बजे तक पत्थरबाजी और लाठीचार्ज चलता रहा। पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मी और लाठीचार्ज में 30 के करीब छात्र घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक करनाल पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।